अभी सनराइज का टाइम हो चुका है और सब लोग वैसे तो बाहर आके यही व्यू देख रहे हैं और हमारे हस्बैंड जी भी मतलब सभी लोग निकल चुके। कितना टाइम हुआ होगा? 7:15 है ना, हाँ 7:15। और सूर्य देव जी प्रकट हो चुके हैं लेकिन बादलों के पीछे छुप चुके हैं, लेकिन कुछ चेक करने पड़ रही है। हाँ बहुत सुनी दी थी पीछे किरण, मैंने चेंज कर लिया सुबह सुबह पहले ही, क्योंकि मेरे को पता है बस अब इसके बाद ब्रेकफास्ट होगा उसके बाद हम सीधा नीचे को जाना शुरू कर देंगे सब लोग। बहुत मजा आ रहा है लेकिन सुबह सुबह एक दिक्कत थी कि फ्रेश होने की, तो सबने अपना अपना जुगाड़ लगा करके और अब हम ब्रेकफास्ट करके नीचे जाएंगे अपने होटल में। तो हम लोग वापस जा रहे हैं ट्रैक करके नीचे और आंचल तैयार हो गए और मैंने वाइट टी शर्ट पहन रखी है लेकिन मैं जैकेट पहन गया, थोड़ा नीचे जा करके जैकेट उतार लूँगा। सो आधा रास्ता हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम नीचे पहुंच चुके हैं। हमारे साथ ये आपको बताइए हमारे न्यू मेंबर्स, हमारे न्यू फ्रेंड्स हमारे साथ हैं और अब देखते हैं, हमने वैसे यहाँ पे बैठना था, आते टाइम भी हमने यहाँ से दाल चावल खाए थे, अब देखते हैं। कहिए घोड़े, चलो चलो भाई घोड़े वाले, अरे रुक जा घोड़े आ रहे हैं। अंचल क्या हुआ, थक गई बेचारी? बहुत हिम्मत करी अंचल, मेरे से भी ज़्यादा, मेरे को लग नहीं रहा था कि आते टाइम अंचल आ जाएगी, इसको डर लग रहा था क्योंकि उतराई उतरने में ना बहुत डर लगता है अंचल को। मेरे पैर काम थे ना, आज तो नहीं काम पे, अब काम रहे, पहले नहीं ठीक है, अच्छा रहा ना। जो ऐसे वाले सर मतलब पत्थर रखे होते हैं, जो पौड़ी होती है ना स्टेयर, उसमें दिक्कत होती है, अगर नॉर्मल हो ना तो दिक्कत नहीं। लेकिन ये कि आंचल के शूज अच्छे हैं, अगर किसी ने ट्रैकिंग करने आना ना तो ट्रैकिंग वाले शूज लेकर के आना, ये डिकैथलॉन से मिल जाते हैं, आई थिंक 2000 में आपको अच्छे से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से लेकर के आ सकते हैं। और मैंने ये बाटा से लिए थे, ये स्नो में भी चलते हैं और ट्रैकिंग में, आंचल के भी चलेंगे स्नो में, पर इसको अभी तक लेके नहीं गया मैं। आंचल तेरे पैर देखे दगम पकड़ दे, बस थोड़ा सा रह गया, वहाँ पे है शिवा कैफे, आई थिंक दो से तीन टर्न के बाद। सो अभी हो चुका है 9:44, मतलब 9:45 का टाइम हो चुका है और हम निकले थे 8:15, तो हमें एप्रोक्स लेके चलो ना आधा घंटा, पर शिवा कैफे तक बता देती हूँ कि नहीं 5 मिनट है, 5 मिनट रह गया बस, तो बस मैं इतना बताऊँगी आपको कि हमें 2 घंटे लगे टोटल ओवरऑल, जाने में 4:30 से 5 घंटे रुक रुक के गए, 4:30 से 5 ही हुए होंगे, मतलब तब हम कितने बजे निकले थे, 12 बजे, और वहाँ पे पहुँच गए थे 4:30। काफी सारे लोग ना वहाँ से फ्रेश होकर नहीं आए, तो यहाँ शिवा कैफे में अच्छे खासे वॉशरूम बने हुए हैं, तो यहाँ पे आकर के फ्रेश हो सकते हैं। अगर किसी को लगेगा कि ट्रैक पे ऐसी दिक्कत है तो वहाँ से आप आइए नीचे 2 घंटे का ट्रैक करके, और बाकी में यहाँ पे फ्रेश होकर के आराम से आप लोग मैक्लोडगंज मार्केट में घूम सकते हो, या अपने होटल में जा सकते हो, या फिर वापस वहाँ से अपने घर पर जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ट्रैक अभी खत्म होता है, छोटे मोटे क्लिप्स आपको दिखा देंगे लेकिन मेन ट्रैक जो है हमारा यहीं पर खत्म होता है। तो अंचल बाय बाय कर दो सबको, और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट करना और उसमें बताना कि आपको और वीडियो चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये खाने वाले होते हैं पर मेरे को कन्फर्म नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा ऐसे बिना किसी से पूछे हुए, और बाय बाय।
अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस ट्रैक पे आना चाहता है। चलते हैं और पानी भी कम है और ऊपर से हम थके भी हुए हैं। चले चलो चलो। शूज में मेरी बर्फ हो चुकी थी, सबसे पहले मैंने चप्पल परचेज की, अब अच्छा लग रहा है मेरे को। उसमें तो मेरे सारे ऐसे पैर ना जैसे स्वेल हो चुके थे। मैं सोच रही हूँ मैं इस तरह का लोअर लूंगी एक। बाय मैक्लो। हमने ना पूजा दीदी के घर जाना है, उनका भी YouTube चैनल है, तो हम यहाँ पे डोगरू स्वीट से मिठाई लेने लगे। पहले मेरे को लगा दुकाने से, तो ये ट्रैफिक वाले भैया ना ये पूछ रहे कहाँ जाना आपको, मैंने इनको बताया कि हमने मिठाई लेनी थी। कहते ये सबसे फेमस दुकान है, मैंने कहा ऐसे लग रही है, कहते यहाँ पे लाइन लगी होती है। अभी दुकान ना है तो यहाँ ये धर्मशाला DC ऑफिस के पास ये दुकान है, जिसे इसको पता कमेंट करना, मैंने आंचल को भेजा है कि यहाँ से जाकर के मिठाई लेके आओ। हमारी हालत की बुरी हालत हो रखी है, तो जैसे भी हम घर निकलने वाले हैं पहले हम उनसे मिलेंगे, फिर उसके बाद हम सीधा घर के लिए निकलेंगे। अगर कहीं लगा हमें थकान हो रही है तो रास्ते में रुक के एक दो हॉल्ट ले लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, चाय पानी पी लेंगे। ब्लैक एंड पिंक को ले लेना जो अच्छी लगती है। ओके वो ले, प्योर येलो। क्या क्या है भाई, प्योर येलो, येलो एंड ब्लैक है। हमने देहरा के तहसील चौक में और यहाँ पे अंकल जी के कुलचे खाए, कुलचा बहुत टेस्टी लगा, जैसे हमारे वहाँ पे बनता है ना वैसे बनता है। बस 5 रुपये प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन एरिया के हिसाब से इतना ज़्यादा है, और बहुत ही अच्छा कुलचा बनाया आंचल को, बहुत टेस्टी लगा। देहरा वाला कमेंट करके बताना कि यहाँ से आपने भी कुलचे खाए। ये तहसील चौक है, तहसील का एरिया है यहाँ पे। मैंने देहरा का बाजार देखना था तो इसलिए गाड़ी मैंने अंदर घुमा ली, अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। कुछ ही टाइम में हम बस घर पहुंचने वाले हैं, और मैंने ली है घर के लिए पेस्ट्री और चॉकलेट पुडिंग, और ये ले रही है अब यहाँ पे कुछ आई थिंक सैलेड के लिए खीरा बीटरूट। अच्छा आप यहाँ पे हो, मैंने पता नहीं फिर किसकी वीडियो बना दी ऐसी। तो बस अब घर जाते, थोड़ी रेस्ट करते, ये ज़्यादा मेन नहीं क्योंकि इन्होंने तो ड्राइव की, मैंने तो रेस्ट कर ही लिया। तो बाय बाय। मैं ना पूजा दी ने ना अचार दिया है और 2 डब्बे दिए थे ऐसे, और साथ में उन्होंने मेरे को और प्रीति दी को कपड़े भी दिए, मतलब मेरे को साड़ी और दी के लिए सूट भी भेजा था। और देखते हैं, मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगी उनका अचार, लेकिन इन्होंने पहले भी खाया हुआ। ये गलगल का सुनो, गलगल का अचार है ना, गलगल का खुशबू तो बहुत अच्छी है। पहले मैं इनको ही खाना डाल के दे रही हूँ, पहले ये खाएंगे, और इनको बड़े से वो कहते हैं ना चूर के खाने हैं तो बड़े से बाउल में डाल के दे दो। पहले तो गुड मॉर्निंग सभी को, और कल रात को आते ही इतने टायर्ड थे कि बस आउच आज, तो ऐसे मैं क्या बोलूँ उसको, बोलते हैं ना खलियाँ पड़ जाती है, वैसे हो रहा पूरा, मतलब एक स्टेप जो वो किचन का है ना नीचे वाला वो नहीं चला जा रहा। आज तो बस ऐसे ही होगा, कल तक ठीक हो जाएंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद आज मेरा कुछ भी ऐसा मन नहीं है, बस फटाफट से आज सारी बेडशीट चेंज कर देनी, क्योंकि एक होता है ना आके, मैंने तभी मैंने जाते टाइम नहीं की थी, मैंने कहा था हम घर आएंगे तो सब चेंज कर देंगे। सबसे पहले मैंने दीवान बेड वाली की है, अभी ये उठेंगे उस साइड की करूँगी, अपने रूम की सबसे लास्ट में करूँगी। अभी मशीन लगी है, मेरे को फटाफट से मशीन से कपड़े निकालने हैं। यार सच्ची में बड़ी बुरी हालत होती आके, तब तक तो मज़े होते हैं, उसके बाद आके सिर्फ यही है 1-2 दिन बस।
सबसे पहले किचन को क्लीन करके इसके बाद ना बर्तन करके उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ। आज मन कर रहा है शाम को हम खाएं नमकीन चावल, मतलब आलू मटर, मटर वाले चावल। तो फटाफट से गैस को क्लीन करके उसके बाद बना लिया। अभी थोड़ा सा बिल्कुल ना वहाँ सामने फ्लावर्स वगैरह लगे हैं ना, उसकी वजह से आ जाता है ये थोड़ा से पत्ते उसके। अब ये फटाफट से झाड़ू से उठाती हूँ। ऐसे क्लारा डालते हैं ये दो दो मिनट में।